परम सम्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज अमृत वेले दा पावन पवित्र मुख वाक जैत श्री की वार अंदर पंजवें पातशाह जी का 709-710 अंग दे उते ये पवित्र शब्द सुशोभित है। सतगुरु शब्द दे सलोक की आरंभता विच बख्शिश करते ने, दया करनंग दुख हरनंग उचरनंग नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिपत न माया। पहा बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप, जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप। भाव यह है कि जो मनुख उस दया दे सागर अकाल पुरख वाहगुरु दे नाम दी वड्याई विच जुड़दा है, नाम नू सिमरदा है, उचारदा है, अकाल पुरख वाहगुरु उस उपर मेहर करदे ने, उहदे सारे दुखां दा नास हो जांदा है। उस मनुख नू फिर माया दे मोह विच वाहगुरु जी नहीं फसन देंदे। उस दा सिमरन कीतियां तृष्णा दी अग बुझदी है, और हे मन जदों उसकी बंदगी करी दी है तो समझ पैंदी है जो सारी सृष्टि का मालक है उही इस जगत नू पैदा करके चला रहा है। शब्द का केंद्रीय भाव यह है कि वाहगुरु के नाम नू जपिया अनेक तरह के दुख कलेश विपतावां झोरे ये सारे खत्म होंदे ने केवल वाहगुरु के नाम की इबादत कीतियां। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच परमात्मा दे नाम दे विच कितनी कु बरकत है जां की कुछ उसकी बंदगी विचों प्राप्त होंदा है। वैसे तो इनू दाना के सिरदान किया गया है नामदान नू, लेकिन सतगुरु बाणी च एक थां ते बचन करदे ने कहन लगे इहदे च शक ना करी गुरसिखा कि वाहगुरु की बंदगी कीतियां ये सारे दुख चिंतावां झोरे सड़ के सुआह हो जाते हैं। पर किवें हो जाते हैं नाल महाराज ने उस किवें दी उदाहरण दिती। गुरु ग्रंथ साहिब दे 1355 अंग दे उपर सलोक सहस्कृति दे विच गरीब नवाज दा एक सलोक ये कहन लगे कोई मनुख जिदे ते भयानक दुख अते कलेश बने हुए ने कदी उहदी जिंदगी विच सुख आया ही नहीं, कलेश ही कलेश ने। दूसरा जे ओह मनुख अनेकां हत्यावां अनेकां कतलां दे इल्जाम उसके सिर पर मड़े हुए ने, अनेक हत्या उहदे तो हो चुकिया ने, जन्मां जन्मांतरां की गरीबी उहदे घर विच उहने कदी सुख अमीरी नहीं वेखी, और वड्डे वड्डे कलेश वड्डे वड्डे पुहाड़े उसकी जीवन विच आ चुके ने, अनेक दुख कलेश अनेक खून खराबे जन्मां जन्मांतरां की गरीबी ये सारे वाहगुरु तेरे नाम दे विच आ जुड़िया मिट जाते ने। किवें नाल उदाहरण महाराज ने दिती, कहन लगे जिवें अग बलदी दे उत्ते लकड़ां धरियां जाण ते लकड़ां अग दे विच सड़ के भस्म हो जांदियां ने, इसे तरह लकड़ भावें साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, लेकिन जदों अग ते धरीए ते सालां बद्धी पुरानी लकड़ सड़ के राख हो जांदी है। इसे तरह दुख कलेश हत्यावां जन्मां जन्मांतरां दे सिर ते पाप ने वाहगुरु के नाम विच जुड़िया सारे मिटदे ने। यह श्लोक है कोर दुखियंग अनक हत्यंग जन्म दारिद्रंग महाबख्यादंग मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक, जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत हे नानक। जिमें लकड़ा जिहड़ियां ने अग दे विच पिया भस्म हो जांदियां ने, तेरे दुख इसे तरह भस्म हो जाणगे। अज मनुख दी जिंदगी इंज कह लो मनुख अपना डेस्टिनेशन जिस नूं मन्नी बैठा है वो तीन चीज़ां ने, जदों के इन्हां तिन्नां विचों कदी किसे नूं सुख नहीं मिलिया वो तीन की ने। सब तो पहला है काम, फिर है दाम, और तीसरा है चाम। काम तो भावे कामनावां दे अधीन हर वस्तु दे पिछे कामना रखनी, ईवन के जे सेवा करनी है तो कामना रख के, पाठ करना है तो कामना रख के, किसी दी गरीब की मदद करनी है तो कामना रख के भी मेरा नाम होवे,
मेरी शोभा होवे, मैं सेवा करा मैनू फल मिले, मैं बाणी पढ़ा मैनू मिले। सब तो पहला है काम, कामनावां नू रख के कीता गया काम। दूसरा है दाम, दाम दा अर्थ हुंदा दमड़ा पैसा, माया दी खातर कीते हुए काम। ते तीसरा है चाम, चमड़ी तो आकर्षित हो के किसी दे वल नू भजना। महाराज कहिंदे ने भलिया काम दाम ते चाम विचों कदी सुख नहीं मिलिया। हाँ सुख मिलेगा जिस दिन तेरी मंजिल, तेरा डेस्टिनेशन, तेरा टारगेट, तेरा गोल की होएगा नाम। काम दाम ते चाम नू छड, नाम नू जिंदगी दा आधार बना। जिद्दन तेरी जिंदगी विच परमात्मा दा नाम आ जाएगा। सतगुरु कहिंदे ने कहन लगे चेते रखी नानक के कर केवल नाम, ये नाम ही तेरे दुखां कलेशां दा नाश करेगा। जो महाराज ने बचन कहे, कहन लगे दया करनंग दुख हरनंग, उचरनंग नाम कीर्तनै, दयाल पुरख भगवानै, नानक लिपत ना माया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।